सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्विक टेक्स। आज आपके लिए आए हैं ओप्पो का रेनो 4 प्रो। तो अभी रिसेंटली ये फ़ोन लॉन्च हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम ट्रेंड में चल रहा है, तो हमने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग की जाए। तो अनबॉक्सिंग में आपको बताएंगे इसकी कुछ स्पेक्स एंड बताएंगे कि क्या दे रहा है इस प्राइस रेंज में ओप्पो। तो चलिए जल्दी से अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो जैसे मैं बॉक्स के ऊपर, सबसे ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मिलता है वही कवर हर बार की तरह, और ऊपर की तरफ कुछ बुक्स मिल जाएंगी जिन्हें लगता ही नहीं कि मुझे कोई पढ़ता भी होगा। तो चलिए इन्हें फटाफट रखते हैं साइड, और उसी के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको सिम इजेक्टर टूल भी मिल जाता है। तो चलिए फ़ोन को अनरैप कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसा है इसका लुक, एंड बॉक्स के अंदर देखते हैं कि आपको क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको 3.5 mm की ईयरफोन मिल रही है, देन टाइप सी केबल भी मिल जाएगी, तो अच्छी बात है। इस प्राइस रेंज में तो वैसे टाइप सी मैंडेटरी है ही। चलिए इसे साइड रखते हैं और चार्जर की तरफ देखते हैं, जो कि इसकी काफ़ी ज़्यादा की हाईलाइट फीचर है। तो 65 वाट का चार्जर मिल रहा है, जिसे ये कह रहे हैं सुपर वोक। तो 65 वाट का चार्जर मिल रहा है गाइस, तो 37 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज कर देगा फ़ोन को, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो बूटअप को कर दिया है मैंने स्किप। अब देखते हैं कि इसमें आपको क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगी एंड कैसा फ़ोन है। तो चलिए पहले लुक की तरफ ध्यान दे लेते हैं। तो लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, ऐसा ही लग रहा है जिससे X50 Pro का इन्होंने कलर बनाया था वीवो वालों ने। तो ऊपर की तरफ देखें तो क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जो कि है 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का। तो क्वाड कैमरा सेटअप विथ फ्लैश है। नीचे की तरफ देखें तो सबसे पहले मिल जाता है आपको स्पीकर, देन टाइप सी जैक, देन माइक एंड देन 3.5 mm का जैक। लेफ्ट साइड में है वॉल्यूम बटन, एंड ऊपर की तरफ देखें तो आपको सिम लगाने के लिए जगह मिलती है। तो देखते हैं अब राइट साइड में, तो राइट साइड में मिल जाता है आपको पावर बटन। और फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो पंच होल कैमरा दे रखा है, जो कि 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। वैसे काफ़ी लाइट वेट है फ़ोन, और क्या कहते हैं 161 ग्राम का है, प्लस 7.70 mm की इसकी थिकनेस है। तो काफ़ी अच्छा स्लीक डिज़ाइन बनाया है ओप्पो ने, काफ़ी लाइट वेटेड लगा, अच्छा लगा मुझे। तो चलिए इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्पेक्स दे रही है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.50 की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले है, वो भी 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ में, जिससे इसका टच फील काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो अबाउट फोन में देखते हैं, सबसे पहले ऊपर मॉडल नेम मिल जाएगा आपको, देन कलर OS वर्जन 7.2, एंड्रॉयड वर्जन 10 मिल रहा है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिल रहा है आपको, 8 GB RAM 128 GB की इंटरनल मिल रही है इसके अंदर आपको, और 4000 mAh की आपको इसके अंदर बैटरी मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से कैमरा देख लेते हैं। तो कैमरा के कुछ मैंने सैंपल्स आपको शो करे हैं, तो जल्दी से कैमरा क्वालिटी देख लेते हैं ओप्पो रेनो 4 की। तो ये जैसे कि मैं आप दिखा रहा हूँ आपको, 1x 2x 5x तक आप इसमें जूम कर सकते हैं, और ये आपको 1x नॉर्मल कैमरा देख सकते हैं आप अभी। तो कैसा लग रहा है आपको कैमरा, आप कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। वैसे मुझे तो कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो कुछ फिल्टर्स भी दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो कर रखा है, यहाँ पे आप ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी कुछ मैं फ़ोटो सैंपल्स भी शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के एंड में, तो आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा आपको कैमरा कैसा लगा ओप्पो रेनो 4 प्रो का। तो ये है वो कुछ सैंपल्स जैसे कि मैंने आपको शो कर रखा है, 1x 2x एंड ये है 5x। तो काफ़ी अच्छी जूमिंग लगी मुझे, एंड ये फ्रंट कैमरा है जो कि 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो कैमरा क्लैरिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं कि इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की क्या स्पीड है और कैसा लग रहा है आपको फिंगरप्रिंट लगाते वक्त, कितना टाइम लगता है। तो जल्दी से कुछ भी पासवर्ड सेटअप कर लेते हैं और देखते हैं कि फिंगरप्रिंट लगाने में कितना टाइम लगता है ओप्पो के रेनो 4 प्रो में। जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर रखा है तो काफ़ी जल्दी हो गया, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया वैसे मैंने, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि। तो फिंगरप्रिंट हो चुका है पूरी तरीके से सेटअप, अब चलिए जल्दी से मैं आपको चेक कराता हूँ। तो इतनी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मेरे ख्याल से या अंदाजन मेरे 0.3 सेकेंड के आसपास होगी, फिर भी काफ़ी फास्ट है क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अभी न्यू ही टेक्नोलॉजी है, तो काफ़ी फास्ट गया है। तो जल्दी से पासवर्ड सेटअप कर लेते हैं फेस अनलॉक के लिए, और फेस अनलॉकिंग भी चेक कर लेते हैं कि क्या स्पीड है और कैसा फेस अनलॉक है ओप्पो रेनो 4 प्रो का। तो जैसा मैंने वीडियो में शो कर रखा है, विद इन आइज ब्लिंक ये अनलॉक हो पा रहा है। तो फेस अनलॉक भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है गाइस, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये ओप्पो का रेनो 4 प्रो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।